अबे तुम चारों गेम पे हो गया? यस अबे भाई तू लोग मार रहा था उन लोगों, ठीक क्या है? अबे यार क्या गेम है यार ये? हुआ? अबे बाद में बात कर, रुक जा। हम चारों फोन पे हैं बे, कैसे इन्वर्टर लॉबी लगा हम लोग का? अबे मारना हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आप सभी को एक और नई वीडियो में बहुत ही ज्यादा स्वागत है गाइस। लास्ट दो दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था बिकॉज मेरा थोड़ा काम था, तो मैं तो अपना जो काम है वो फिनिश कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई या लाइव स्ट्रीम में नहीं आ पाया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइस। नाउ आज के टॉपिक में आते हैं गाइस। सो आप लोगों को, अगर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी आप लोग फॉलो कर रहे हो, वो बहुत दिनों से आपको पता होगा कि इम्यूलेटर वर्सेस मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा पंगा चल रहा है। सो बेसिकली इंडियन गेमिंग कम्युनिटी जो है वो दो भागों में बट चुकी है। एक में है मोबाइल गेमर्स, एक में है इम्यूलेटर गेमर्स, ठीक है। मैं दोनों को ही सपोर्ट करता हूँ। अगर आप इम्यूलेटर पे खेलते हो तो मजे के लिए खेलो, कस्टम रूम करो, अपना जो सब्सक्राइबर है उन लोगों के साथ खेलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप लोग ये चुतियापा करते हो कि रैंक पुश, ये पुश, वो पुश, लौड़ा लसुन पुश, तभी मेरे को प्रॉब्लम आती है। एंड हमारे जो सबसे बड़े इम्यूलेटर प्लेयर है इंडिया का अभी फिलहाल, डायनमो गेमिंग, तो उनका ये कहना है कि आप पैच नोट पढ़िए, बिकॉज पैच नोट में क्या है कि आपका, अगर आप इम्यूलेटर से खेल रहे हो तो आपका जो मैच होगा मैच मेकिंग, वो सिर्फ और सिर्फ इम्यूलेटर लॉबी में होगा। पबजी जो कंपनी है टेंसेंट, उन्होंने खुद एक ऑफिशियल एम्यूलेटर बनाया, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि आपके अगर इसमें सिर्फ एम्यूलेटर प्लेयर आएंगे, मोबाइल के प्लेयर्स बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत से लोग मुझे सुपर चैट भी करते हैं कि तू पीसी से मोबाइल वालों को मारता है, तो उनको मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि आप थोड़ा पैच नोट पढ़ा करो, देखा करो कि एम्यूलेटर्स के अगेंस्ट सिर्फ एम्यूलेटर्स आते हैं और एम्यूलेटर्स के अगेंस्ट में जो बंदे खेलते हैं वो बहुत ईजी नहीं होता है। ऐसे मोबाइल से खेल रहे हो क्या? हाँ। अरे सेम भाई। It was at this moment he knew he fucked up. देखा करो कि एमुलेटर्स का गेम सिर्फ एमुलेटर्स आते हैं। तो आज ये हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं पबजी मोबाइल को एंड डायनमो गेमिंग को भी, के असल में इन रियलिटी कोई इम्यूलेटर लॉबी नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो ये वाला जो क्लिप है, ये वाला क्लिप एक बार देख लो, एकदम से आप लोगों को जो है मिल जाएगा प्रूफ के इम्यूलेटर लॉबी बोल के कुछ भी नहीं है। वो ना एक फीचर आया हुआ है न्यू इसमें, यूट्यूब का जो डैशबोर्ड आया ना उसमें। अबे तुम चारों गेम पे हो गया? यस। अबे भाई तू लोग मार रहा था उन लोगों, ठीक है? अबे यार क्या गेम है यार ये? क्या हुआ? बाद में बात कर, रुक जा। अबे हम चारों फोन पे हैं बे, कैसे इन्वर्टर लॉबी लगा हम लोग का? मारना। मैंने एक्चुअली यही नहीं करके रखा था। अल्फा एक लो है एक नॉक है, चलना है तो बस। सो गाइस, अभी आप लोगों को पता चल ही चुका है कि पबजी मोबाइल में इम्यूलेटर का लॉबी नहीं है, एक ही लॉबी है। एंड कभी कभी आप अगर मोबाइल से भी खेल रहे हो तो आप लोगों का मैच मेकिंग जो है इम्यूलेटर वाले के साथ हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक कि इम्यूलेटर वाले जो भी बंदे क्रॉन्टेन, डायनमो या फिर जो भी बंदे खेलते हैं एंड ये चुतियापा करते हैं कि रैंक पुश करेंगे, ये पुश करेंगे, अपने कार में रैंक घुसा लेंगे, तो ये सब लोग इसको, इस चुतियापा को स्टॉप करना हो ही होगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट कम्युनिटी का आगे बढ़ाना है तो प्लीज इसको स्टॉप करो। एंड अगर इम्यूलेटर से ही आप लोगों को बग चोरी करना है, इम्यूलेटर से ही पूरी जिंदगी खेलना है, तो भाई खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देख लेंगे किसी और को, कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चुतियापा करना बंद कर दो कि रैंक पुश करेंगे, ये पुश करेंगे, बिकॉज मोबाइल प्लेयर्स को मार के कोई रैंक पुश नहीं होता, कोई प्रो प्लेयर नहीं बन जाता। सो एक बात अपने कान में
एंड अपने कान में ध्यान से ये डाल लो बात। सो गाइस, आप लोग अगर डायनामो को सपोर्ट करते हो, आई थिंक अगर आप सपोर्ट करते हो बहुत अच्छी बात है, आप उसका फैन हो। मैं भी डायनामो को देखता हूँ, बट मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इम्यूलेटर बंदा रैंक पुश करता है, बिकॉज रैंक पुश का भी कोई मतलब जो रैंकिंग सिस्टम है पबजी मोबाइल का, उसका भी कोई अलग से कोई लॉबी नहीं है। जो भी रैंकिंग सिस्टम है, अगर आप मोबाइल से भी खेलते हो, इम्यूलेटर से भी खेलते हो, तो एक ही रैंकिंग सिस्टम है। तो इसीलिए मेरे को इस जगह पे दिक्कत है कि बिकॉज मोबाइल जो प्लेयर्स इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड वो अगर कॉन्करर में जाते तो बढ़िया है, बट इम्यूलेटर से खेल के कॉन्करर में जाने का कोई बड़ा बात नहीं है। सो गाइस, आज के लिए वीडियो बस इतना ही था। होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला रिगार्डिंग पबजी मोबाइल के बारे में या फिर फेक गेमर्स के बारे में, जो कि हाँ आप लोगों को अभी तक चुतिया काट रहा है। सो प्लीज़ गाइस, रियल जो प्लेयर्स है, रियल मोबाइल प्लेयर्स है, रियल पबजी पीसी प्लेयर्स है, उन लोगों को प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सपोर्ट का। तो चलिए गाइस, आपसे मुलाकात होगा फिर से एक नई वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम गाइस, इट्स योर बॉय संदीप, टेक केयर एंड बाय बाय।